एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पर भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़, ये पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे हैं कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है, गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सबके कल्याण का भी आधार बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है, आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है। और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी, और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाके देखिए, यूपी में सबसे कम है, मिनिमम है। पेट्रोल डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब हर उपभोक्ता वस्तु का, हर एक उसका दाम बढ़ जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएसटी देने के लिए आज हमारा व्यापारी बंद उतावला है, कह रहा सा हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और यही नहीं लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। महोदय, ये तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी महामारी। और उसमें इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को, भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उन सबके स्किल मैपिंग के साथ साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सबको करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है।